अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका भाई मोइज़ अली ख़ान और आप देख रहे हैं एम के एक्शन ब्लॉग्स। तो अभी सुबह तकरीबन 4 हो चुके हैं, अजानें हो रही हैं, तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं जी स्कर्दू की साइड नॉर्दर्न एरिया की तरफ। तो ट्रिप तो हमारा काफ़ी लंबा है, तो रास्ते में साथ साथ आपको बताते हैं। तो अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं तो फिर निकलते हैं। तो ये जैकेट भी हम लोग अभी साथ रख रहे हैं, क्योंकि नहीं पता चलता, सर्दी का भी नहीं पता चलता। तो कपड़े भी हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं, अभी हम लोग चलते हैं, एनके वगैरह भी पहनते हैं। ये जी हम लोग निकल आए हैं अभी घर से, मेरे साथ हैं वैस मामू। सकते हैं दुकानें सारी बंद हैं, शानी खोला हुए, शानी और अकबर खान खोला हुए। अभी पेट्रोल फुल कराने के बाद, अभी हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवान दवाएं, अभी जा रहे हैं। ये जी हम लोग अभी बाईपास पर पहुंच आए हैं, मंजेरा बाईपास पर। तो अभी अपनी मंजिल की तरफ रवान दवाएं हम लोग। ये जी जगह आप देखें कितनी खूबसूरत है, मंसेरा क्या ऊंचे, यहाँ से नीचे पूरा शहर नजर आता है। और इन्होंने जगह भी बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है, ये आप देखें मंसेरा, इन्होंने देखा हुआ भी है पाकिस्तान का जंग है मंसेरा। रास्ते भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बालाकोट बाजार में अभी एक होटल पर हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए, अभी नाश्ता मंगाते हैं। नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग आगे निकल गए हैं बालाकोट से, अभी हम लोग आगे निकल गए हैं, नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। अभी जी हम लोग शुक्रान के करीब तर पहुँचाए हैं, यहाँ पे माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जन्नत नज़ीर और सरसब्ज व शादाब पहाड़ियाँ हैं। ये रास्ते आप देखें, इन रास्तों को देखकर और इस खूबसूरत वादी को देखकर, इन खूबसूरत बुलंदोबाला सरसब्ज व शादाब पहाड़ों को देखकर इंसान के मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है फबिया आला रब्बिकुम अतुका ज़िबान। ये आप नीचे एक खेत देखें, वो सामने पहाड़ देखें। ये जी हम लोग के वाई में पहुंच आए हैं, ये
ये शुग्रान का रास्ता है ऊपर, लेकिन हमारी मंजिल शुग्रान नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वो जगह शुग्रान से काफ़ी ख़ूबसूरत है। तो शुग्रान का टूर इंशाल्लाह फिर किसी दिन करेंगे, आपको दिखाएंगे साथ। ये जी अभी हम लोग पारस में हैं, ये आप खूबसूरती चेक कर सकते हैं पारस की, ये भी बड़ा सरसब्ज और शादाब इलाका है। ये नरान और कगान के रास्ते में आते हैं, वो सामने चाइना वालों के जो शेक्स वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये नीचे खूनी दरिया दरियाए कुनहार भी है, यहाँ पर जो सी पैक के अंदर काम करते थे चाइना वाले, यहाँ पर उनकी रहशगाह है, ये उनके लिए जगह बनाई गई है। पारस है ये जी, पारस है ये, अब गायें वगैरह देख सकते हैं, नीचे से दरियाए कुनार आप देख सकते हैं। अभी हमने पुल क्रॉस किए, एक ये भी पुल है जिसके ऊपर ये सिपा साहबा के जंगे भी लगे हुए हैं, और साथ में लोग पिक्चर्स वगैरह भी बना रहे हैं। ये जी कोई ज़िपलाइन वगैरह का लिखा हुआ था इन्होंने कि दुनिया की सबसे ऊंची ज़िपलाइन, इस जगह का नाम है जी फरीदाबाद। लेकिन रास्ते में काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, जिस तरह आंखों से नज़ारा नज़र आता है उस तरह कैमरा तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लोग सेबों का सीज़न है, कच्चे सेब भी बेच रहे हैं। ये जी अभी हम लोग पहुंच आए हैं कगान बाज़ार में, ये कगान का मेन बाज़ार है। यहाँ पर अभी हम लोग पहुंच आए हैं, तो हो सकता है कुछ मेरी आवाज़ आपको सही ना लगे या सही आवाज़ ना है, क्योंकि मुझे ये कुछ रास्ते में सर्दी वगैरह थी, ज़ुकाम भी लग गया। तो आगे भी आपको अभी दिखाते हैं, ये मस्जिद है कागान की, जामिया मस्जिद है। ये जी नरान के रास्ते में भी हम लोग खड़े हुए हैं, ज़रा पानी वगैरह पिए। कगान में खड़े हुए हैं अभी हम लोग, अभी आगे जाते हैं नरान की तरफ। बाइक हमारा ये खड़ा हुआ है फुल सामान के साथ, इस दफा हम लोग आए जी। कैंप का काम शुरू हुआ है, यहाँ पर कैंप बन रहा है पानी का,
वो आगे आपको नजर आ रहा होगा। ये कैंप बन रहा है जी, ये नीचे ये जी एक सुरंग आ गई है जिसके अंदर से हम लोग गुजर के जाएंगे। ये सुरंग है जी लैग बाल के नाम। ये बस अभी सुरंग में से हम लोग निकल रहे हैं। ये जी गेम का काम लगा हुआ है। ये हमें भी आप देख सकते हैं। अभी हम लोग नारायण के खूबसूरत वैली में दाखिल हो गए हैं जी। ये सब्ज पानी इंसान के दिमाग को बहलाते हैं। वादी के नारायण में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। ये जी अभी नारायण बाजार शुरू हो गए जो कि आप देख सकते हैं। ये हम लोग नारायण के मेन बाजार में ये नारायण बाजार से थोड़ा सा आगे आके अभी थोड़ा सा हम लोगों ने स्टे किए 5-7 मिनट के हम लोग खड़े हुए हैं ये पानी के पास। बड़ा साफ शफाफ पानी है ये आप देख सकते हैं। ये लोग वॉकिंग कर रहे हैं। हम लोग के पास अभी वक्त नहीं है, नहीं तो हम लोग भी इसे ट्राई करते तो वापसी पर देखेंगे अगर हमें मौका मिला तो। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूअर्स। आज हम जा रहे हैं इंशाल्लाह स्कर्दू के लिए और अभी हम नारा से थोड़ा सा आगे व्यू पॉइंट है एक, उधर पहुंचे हैं। इधर से इंशाल्लाह रास्ते में आपके साथ रहेंगे।
आप हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह स्कर्दू आपको पूरा दिखाएगा। तो आप लोगों ने सुन लिया, आपको इंशाल्लाह हम लोग पूरा स्कर्दू दिखाएंगे, चित्राल दिखाएंगे, काफ़ी सारे इलाके दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अपने अजीज़ों कारिब के साथ भी हमारा चैनल शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जी रास्ते में एक खूबसूरत सी आबशार आती है, बड़ी खूबसूरत सी आबशार है, ये देखें हम बेहतरीन वाटरफॉल है। ये आप देखें तो चौकी सी आ गया, इंशाल्लाह आपको और भी दिखाते हैं। आप जगह देख सकते हैं वाली है जी, आपको वो भी दिखाते हैं। तब तक आप ये पहाड़ देखें, इनकी कुछ अजीब सी होती है जिसे इंसान लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। रास्ते आप लोग देखें, इस वादी की खूबसूरती देखें। ये बकेकुन की हम लोग पहुँच आए हैं जी, अभी यहाँ से नीचे से दरिया पार करेंगे हम लोग, तो मेन बकेकुन की जहाँ पर होटल्स वगैरह और पिकनिक पॉइंट के वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ये कोई फॉर्म वगैरह है जी, अभी यहाँ से हम लोग पुल पार करेंगे दरिया के ऊपर से। ये दरिया है जी, ये भी हम लोग पुल पार करते हैं। कि जाके जी सामने जो ऑरेंज बिल्डिंग आप देख रहे हैं, आप सिर्फ व्यू देखें जी जगह का, ये आप सिर्फ व्यू देखें और मुझे बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगी और 10 में से आप इस जगह को कितने पॉइंट देंगे, साथ में ये बात भी बताएं। ये जगह आप देखें,
ये जगह आप देखें जी, कितनी खूबसूरत अबशार आ रही है ऊपर से, यहाँ से नीचे जा रही है जी। ये पड़ गई से थोड़ा सा पहले ये जगह, ये आप देखें नांगे भी देखें आप, ये देखें पानी आप देखें कि एक चौकी सी अबशार है, ये किस तरह आ रहा है। ये आपने मेरे पिछले व्लॉग अगर आपने देखे नीलम वैली वाले, तो काफ़ी सारे ऐसे झरने पानी के मैंने आपको दिखाए हैं। ये व्यू चेक करें, ये सामने का व्यू चेक करें, ये बढ़ गई है, ये जगह चेक करें आप, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है जी। बॉर्डर है केपीके का, ये केपीके का बॉर्डर है। इसके बाद ये जगह आप लोग देखें जी, माशाल्लाह आप देखें, ये खूबसूरत जगह, साथ में पानी आ रहा है, जगह की खूबसूरती बनता है। आगे आप सिर्फ व्यू चेक करें, सिर्फ और सिर्फ आप व्यू देखें आगे, ये कितना खूबसूरत व्यू है। क्या है, क्यों हो गए बाबू साहब? बाबू साहब वेन्यू कर दे वैसा, हाँ मोबाइल देखा। ये जी लुलू सर नेशनल पार्क हम लोग पहुँचे हैं, आगे लुलू सर झील है जो कि एक मशहूर मरूफ झील है। एक पेगोरे नाल देते तो आपको लुलू सर झील भी दिखाते हैं। ये जी लुलू सर झील पर हम लोग पहुँचे हैं, अभी यहाँ पे थोड़ी देर खड़े होते हैं। ये लुलू सर झील है, ये जी लुलू सर झील, करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। डार्क ग्रीन कलर का इसका पानी है, बाइक भी हम लोगों ने खड़ा कर दी है जरा। आप मेरे पीछे लुलू सर झील देख सकते हैं, काफी खूबसूरत झील है ये जी। आप देखें ये लुलू सर लेक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लेक है जी। ये जगह है गकीदास बाबूसर के रास्ते में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, अभी बाबूसर की तरफ हम लोग रवान दवा हैं, तो दो तीन मिनट क्या करेंगे बाबूसर के ऊपर ही हम लोग। ये जगह आप लोग देख लें, पथरीले पहाड़ आप लोग देख रहे हैं, ये सरसब्ज़ो शादाब मैदान आप देख लें इस तरफ भी और इस तरफ भी, और ये देसी माहौल कुछ इन्होंने बनाया हुआ है कि गायें भैंसे वगैरह घास खा रही है।
ये बस बाबू सर अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं तकरीबन। वो पीछे सीधे मैदान देखें, जय जी जगीदास के मैदान है नीचे सारे। ये बाबू सर के तकरीबन 1 किलोमीटर हमारा रह गया। बाबू सर ये जगह आप मुलाहिज़ा फरमाएं, कितनी खूबसूरत जगह है। वो गाड़ी आने वाली है जी, जिस गाड़ी का हमको इंतज़ार था। ये बस अगला मोड़ मोड़ के तो बाबू सर हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग बाबू सर के ऊपर पहुंच गए हैं अभी। ये जगह जैसे बाबू सर के आपका आ जाते हैं। तो ये है जी बाबू सर, तो हम लोग वापसी पर ही ना वो जी मोड़ो, हम लोग वापसी पर ही यहाँ पर खड़े होते हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने जाने सीधा आगे स्कर्दू। तो हम लोग वापसी पर आपको बाबू सर भी दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो हमने आपको दिखा दिया सिर्फ जहाँ पर बाबू सर लिखा हुआ है, वो हमने आपको नहीं दिखाया। जी यहाँ से नीचे चलास आ जाएगा जी, अभी हम लोग चलास की तरफ जा रहे हैं। अभी तो अमीर है, ये आप व्यू देखें, नीचे रॉक वगैरह आप देखें, वो नीचे एक लेक भी है, हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। अभी हम निकले बाबू सर से, नीचे आए तो बहुत ही ज़्यादा गहराई है, देख सकते हैं आप यहाँ कितने नीचे आ चुके हैं बाबू सर गाँव से। अभी हाई ज़्यादा ख़तरनाक रोड, और रोड माशाल्लाह क्लियर है, रोड बेहतरीन बने हुए हैं, व्यू भी आप देख सकते हैं जी कि किस तरह के व्यूज़ हैं यहाँ पे। और मोड़ देखें, उतराई देखें, ख़तरनाक किस्म की उतराई। ये बाबू साहब आपसे नीचे उतरते हुए मजीद आप नीचे आ गए, और ये व्यू आप देख सकते हैं कितना ऊंचा और बहुत ही ज़्यादा और क्लास किस्म का व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ के लोग भी माशाल्लाह मेहमान नवाज और अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मिलनसार लोग हैं। ये देख सकते हैं आप व्यू, नीचे बेहतरीन किस्म का व्यू आ रहा है। ये भाई कोई अमेरिका यूरोप नहीं है, ये हमारा अपना पाकिस्तान है। और बाबू सर टॉप से नीचे उतरते हुए चलास के रास्ते में आता है। हम तकरीबन चलास से 30 किलोमीटर के फासले पर हैं, बाबू सर टॉप से 10 किलोमीटर आप नीचे वो देख सकते हैं आप। बहुत ही अच्छा इलाका, चलास का 0 पॉइंट आ गया, चलास का 0 पॉइंट आ गया। अभी इस जगह का नाम है जिकिनी,
इजलास से आगे इतनी सख्त गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊं, तकरीबन 40 से 45 दर्जा हरारत है। ने बोला कि थोड़ा सा पेट्रोल पड़ोगे और भी करवा लें, फुल करवा लें। ये नीचे साथ साथ पानी भी है लेकिन इंसान बात भी नहीं कर सकता है, ऐसी गर्मी है। गर्मी को आप भूल जाएंगे अगर ये गर्मी। ये इजलास में एक भी नहीं हुए, शदीद गर्मी है। ये आप देख लें सारी साहब है शिद्दत है यहाँ पर, तकरीबन 40 से 45 है यहाँ पर। जी मुर्गियों से जा रही है जी, रास्ते में जी ये मशीनें काम करने लगी हुई हैं, रास्ता बंद हुआ हुआ है क्योंकि ये अभी रोड बना रहे हैं। यहाँ पे फेरी मेट्रो का रास्ता ऊपर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, बहुत अच्छे का नाम है ये रास्ते को, फेरी मेट्रो ऊपर जा रहे हैं और हम लोग तरफ जा रहे हैं। और भी काफ़ी सारे चगनोड़ सुमियार बाजार में पहुंच आए हैं। इस जगह का नाम चगनोड़ है। पहले थोड़ी सी गर्मी कम हुई थी लेकिन अभी फिर गर्मी शुरू हो गई है। ये जी प्रताप ब्रिज है, ये वो पुल है जो पाकिस्तान और साथ ही बाट जंक्शन है। ये पुल है, साथ ही सामने बाट जंक्शन है जहाँ पर कराकोरम, हिमालिया और हिंदुकश आपस में मिलती है। तो इसके बारे में वैस मामू से पूछते हैं। बताएं जी वैस मामू। ये जी बाट जंक्शन, ये दुनिया के तीन बड़े पहाड़ हैं, सबसे बड़ा दुनिया का पहाड़ी सिलसिला जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, सिर्फ ये जगह है जगलोड पाकिस्तान में जहाँ पे ये मिलते हैं। और ये सामने वाला जो अभी आप देख रहे हैं ये है हिंदू कराकोरम, ठीक है। इसके साथ इस साइड पे आप आ जाएं मोइज़ भाई, अगर आपको दिखाएँ तो ये है हिंदू कुश और दरिया है सामने। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये आता है हिमालया, और ये दो दरिया आ रहे हैं। ये एक आ रहा है गिलगित से, ये जो इस साइड से दरिया आ रहा है ये गिलगित वाला आ रहा है, और ये जो दरिया आ रहा है ये सकर्दू वाला आ रहा है। ये दो दरिया भी यहाँ पे आके मिलते हैं और ये तीनों पहाड़ दुनिया में वाहिद ये जगह है जहाँ पे मिलते हैं। सही, तो ये इसका स्ट्रक्चर भी इन्होंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जी अभी हम लोग रास्ते पर पड़ गए हैं खपलूस कर्दू दामबुदास वाले रास्ते पर। अभी हम लोग जाते हैं आगे, आपको हमें मालम ब्रिज भी दिखाते हैं। ये वाला ऊपर वाला रास्ता है जो खुंजरा भुंजा और गिलगित को जाते हैं, सामने हमें मालम ब्रिज है वो भी आपको दिखाते हैं।
ये तो पार हो सा ये जी एम एम आलम पुल है, ये वो पुल है जिसके नीचे से एम एम आलम जो के पाकिस्तान एयर फोर्स के कमांडर था उसने जहाज गुजारा था और उसके पीछे इंडिया की फौज के कमांडर ने जहाज गुजारने की कोशिश की तो वो नेस्तो नबूद हो गया था। और इसे दोबारा भी तमीर किया गया, पहले ये लकड़ी का था, अभी लोहे का बनाया गया, तो तब भी इसका नाम है मैं मालम के नाम पर रखा गया। ये लाड़ी उल्की बचत हो गया, बंदे बच गए, बंदा बच गया, गाड़ी सब बच गया। ओ शाजी ओ बिस्मिल्लाह ठीक हो होना होना सैंडे ही नहीं हो मैं है पता नहीं। ये जी अभी स्कर्दू की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तकरीबन हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं अपने मकाम पर। अभी तकरीबन 9:30 बज चुके और हम लोग अस्तक पहुंचे हैं आगे से, और अभी हम लोग जा रहे हैं अस्तक गांव जहाँ पर एक आदमी ने खाने का इंतज़ाम किया हुआ हमारे लिए, वैसमम का दोस्त से पुराना, तो जाते हैं उसके पास खाना वगैरह खाते हैं, फिर रात वहाँ पर ही गुजारते हैं और सुबह उसका गांव वगैरह भी देखते हैं और कल्चर सारा देखते हैं। अभी हम लोग जी खेड़जंग गांव की तरफ जा रहे हैं, अस्तक नाला से, ये अस्तक नाले नीचे अगर आपको नज़र आए आवाज़ से तो आपको पता चल रहा होगा, ये बैगरी पर मैं लगा रहा हूँ, नाला तो नहीं है ये पूरा दरिया ही है। तो ये रास्ता आप देख लें बड़ा खराब रास्ता है, कच्चा रास्ता है, तो अभी चलते हैं। लोग आए हैं तो यहाँ पर सारी स्लाइकिंग आई हुई है इस गांव के रास्ते में, तो इंसान भी ऊपर नहीं जा सकता, बाइक गाड़ी तो दूर की बात है, ये सारी स्लाइकिंग आई हुई है रास्ते में। तो इस गांव का अब दूसरा रास्ता भी हम लोग वापस जा रहे हैं, तो दूसरे रास्ते से अभी हम लोग चलते हैं। ये नीचे पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी, पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, वैसे तो इसे अस्तोर नाला बोला जाता है लेकिन ये पूरा दरिया है। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे रास्ते से। हमारी जी पेप्सी की बोतल बैग के साथ से गिर गई है, तो अभी दूसरे रास्ते से क्योंकि हम लोगों ने जाना है, तो मेन रोड तक हमारा यही मिशन है कि अपनी पेप्सी की बोतल हम लोगों ने तलाश करनी है, तो इंशाल्लाह आप देखते जाते हैं आगे अपनी पेप्सी की बोतल, बाकी इंशाल्लाह खुदा की ज़ात अच्छी करेगा। तो अभी बोतल नहीं मिली पेप्सी की अपनी, बस हमारा मिशन फेल हो गया, अभी हम लोग के ऊपर वाले रास्ते की तरफ जाने हैं, वहाँ से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, रात को हम लोग खादम हुसैन के पास रुक गए थे, यहाँ पे मैं और वैस मम अभी जागे हैं, मुँह हाथ धोए तो अभी ये बादाम और साथ में खुबानियाँ आ गई हैं खाने के लिए, और इसके बाद फिर नाश्ता करते हैं, फिर आपको बाहर का मॉल, फिर आपको बाहर का मॉल दिखाते हैं या आपका इस गांव का, इस गांव का क्या नाम है, खेड़जंग अस्तक, खेड़जंग अस्तक नाम है इस गांव का, रोंदू नाम है इस गांव का, तो फिर इस गांव का बाहर का मॉल भी आपको दिखाते हैं, गाँव की खूबसूरती, गाँव का कल्चर, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं।